सलाम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक भाई साहब? ऑफिस आए हैं, टिकट शिकट पासपोर्ट वगैरह लेने के लिए। अल्लाह पाक खैर रखे। 27 तारीख की टिकट है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे भाई साहब। मुबारक हो हमारे रेफरेंस से, हमारी इन्फॉर्मेशन से एक और भाई का वीज़ा लग गया, खादमी का, और अल्लाह के घर में एक खादिम बन के जा रहे हैं, और जिनका नाम सलीम भाई है। सलीम भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। आप अल्लाह के घर में खादिम बन के जा रहे हैं, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक भाई साहब? मुबीन भी मेरे साथ है, तो मैं भी आनी बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। ऐसा भी है, देखें सऊदी अरब के लोग जाने वालों के ना, वो फिंगरप्रिंट हो रहे हैं, कैसे रश लगा हुआ है ये देखें, कहाँ तक रश लगा हुआ है। ये सऊदी अरब के जाने वालों के लिए हो रहा है, फिंगरप्रिंट वालों का रश है। और ये खादमीन भी इनमें है, इनमें खादमीन भी हैं, जो खादमीन अल्लाह पाक के घर की सफाई वाले हैं लोग, जो उनके भी फिंगरप्रिंट इनमें ही हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें कैसे रश लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मेला लगा हुआ है। रात 3 बजे का मैं आया हुआ, ठीक है। तो कार्ड नंबर आया मेरा, कार्ड नंबर ये मेरे, ये देखें कार्ड नंबर है मेरा। ये सारे भाई साहब खादमीन वाले हैं, फिंगरप्रिंट वाले, सऊदी अरब अल्लाह के घर के सफाई। माशाल्लाह जी, मुझे टिकट पासपोर्ट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। 27 तारीख की मेरी कराची से फ्लाइट है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख बार शुक्र है जी। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेजबान कामरान खान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी कामरान खान। तो माशाल्लाह मेरे साथ जो आज भाई बैठे हुए हैं सलीम भाई, अल्लाह ताला इनको अपने घर की सफाई सुथराई के लिए चुना है, जो कि लाखों करोड़ों दुनिया में चंद लोग होते हैं, उनमें से एक सलीम भाई हमारे साथ मौजूद है। और जल्द ही इंशाल्लाह ये अल्लाह के घर में आपको नजर आएंगे, जो मेरे वहां से सऊदीया में देखने वाले मेरे भाई हैं, और जो पाकिस्तान में से हमारी वीडियो देखते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके लिए इनके दिल में क्या पैगाम है, क्या मैसेज आप लोगों को देंगे? पहले तो इनसे बात करते हैं कि इनकी कितने खुश है माशाल्लाह के खातिम बने जा रहे हैं। तो सलीम भाई से बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुश हूँ, अल्लाह पाक का लाख करोड़ों बार शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब। अल्लाह पाक देखने वालों को दिखाएंगे अपना पासपोर्ट भी। जी जी, पासपोर्ट मिल गया। फ्लाइट है आपकी 27 तारीख की, कराची से फ्लाइट है माशाल्लाह। तो चाहती है जब आप मेरे पास, यानी कि आपके दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं खादिम बन के जाना चाहता हूँ, तो आपने कैसे मुझसे मिले, मेरे से रब्ता किया? आपने बताया था कि आप पहले भी मलेशिया में कहीं रह कर आए, 10 साल आप रहे हुए हैं, तो आपकी दोबारा ख्वाहिश हुई कि खादिम में जाने की, तो मेरे तक कैसे आप पहुंचे? मैं वीडियो वगैरह यूट्यूब वगैरह पे देखता था खादिम के बारे में, तो वो बस वीडियो देखते देखते आपका चैनल मुझे मिल गया। मतलब कि आपकी जो बातें हैं उसमें कुछ हकीकत मुझे महसूस हुई। क्यों हकीकत महसूस हुई? वो इसलिए कि कुछ तो आप 8-10 साल से उधर थे, मकीम थे, अल्लाह पाक तो मैंने आपकी तस्वीरें वगैरह देखी, आपकी वीडियो दिन में 1-2 बार वो स्टडी करता था, देखता था, और भी कई लोगों की वीडियो देखता, लेकिन आपकी वीडियो में कुछ हकीकत थी, कुछ सच्चाई थी, इसलिए फिर वो वीडियो देखता 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 आप तक पहुंच गया। सलीम भाई, मेरे वीडियो देखने से पहले भी बिना कोई आपने ऐड देखी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में जी जी तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, आपको एड्स मिलती हैं, मेरे को काफी लोग की कॉल आती हैं, 1500, 1600, 1800, 1800 सैलरी बता रहे, तो आपके आगे भी कोई ऐसी ऐड आई थी? मेरे पास ऐड है, मेरे पास प्रूफ है मेरे फोन में, वो 1600 सैलरी बता रहे थे। अच्छा, फिर मैंने जब आपकी वीडियो भी साथ साथ स्टडी करता था, वो भी उसमें वो कोई हकीकत नहीं थी, वो कह रहे ऑनलाइन पैसे लगवा दो, हम आपको टोकन भेजते हैं, ऐसे करते हैं, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। कामरान भाई, उनकी सैलरी कितनी में बताते थे? जो मैंने सैलरी बताई वो कितनी? आपने 400 रियाल सैलरी बताई है, और वो 1600 रियाल सैलरी बता रही है। जो कंपनी का एग्रीमेंट करके आए, कंपनी ने आपको कितनी सैलरी बताई? उन्होंने 400 सैलरी बताई है, प्लस ओवर टाइम सम टाइम, और ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, खाना पीना, रहने की सब चीज कंपनी वो जो बताते हैं, वो क्या बता रहे होते हैं? वो कह रहे हैं कि 1600 सैलरी है, प्लस ओवर टाइम है, ये है वो है, मतलब कि उसमें वो टिकट वीजा फ्री है क्या? टिकट वीजा फ्री, टिकट वीजा फ्री मिला गया आपको? नहीं 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 जी, आपने पैसे जो पैसे जो भी दिए हैं आपने कंपनी को दिए हैं? जी मैंने कंपनी को दिए हैं। वैसे मुझे आपने कुछ दिया हो? नहीं कुछ नहीं, बस आपने मुझे राह बताई है, मैं उस राह पे चला हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं सफल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख बार करोड़ों बार शुक्र है। उस लिंक पे मेरे देखने वालों को आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि हाजी साहब आप सारे पैसे आप लेते हैं, ये वीजे फ्री आते हैं, तो क्या आपको वीजा फ्री मिला है? कोई भी वीजा फ्री नहीं होता मेरे भाई, मैं दिल से कह रहा हूँ, हद सख्त से कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो भी पैसे दिए मैंने कंपनी को दिए हैं, कंपनी ने मेरा काम किया है, ठीक है, और कंपनी ने आज मुझे बुलाया कि आजो भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह टिकट पासपोर्ट ले आया हूँ, मेरी 27 तारीख की फ्लाइट है, और जो लोग फ्रॉड करते हैं अल्लाह उनका भला करे, बस यही कह सकता हूँ, तो न जाने कितने लोगों के साथ फ्रॉड हो भी गया, ठीक है, और अल्लाह पाक बस उनका भला करे। आपने बताया था
कि आपके साथ भी होते 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 बचा। हाँ जी जी, मैंने आपको प्रूफ, हाँ वीडियो मुझे प्रूफ किया, उन्होंने वो वॉइस मैसेज भी, वॉइस मैसेज भी मेरे पास फोन में है। अब यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि हमारी वीडियो से जिन भाइयों को फायदा होता है उनके साथ एक फाइनल वीडियो बनाई जाए। उनसे फिर मैं मिलता भी हूँ और उनके साथ वीडियो बनाता हूँ और आपके सामने प्रूफ के तौर पर लेके आता हूँ। लेकिन इस पर भी कई लोगों के बैड कमेंट्स आते हैं कि पैसे देकर वीडियोस बनाते हैं आप, तो मेरे भाई मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं होते कि मैं तुम तो जान दी मैंने कोई आपको पैसे दिए आपने मुझे कोई दी को सीधा मिला है या 100 रुपए का मिला है वो चांद भाई ने अपने हाथों से, सलीम भाई का नाम चांद भी है, तो इन्होंने पैसे अपने हाथ से दिए, मुझे कुछ नहीं थे, मुझे सिर्फ गर्द होती है कि मेरी इन्फॉर्मेशन थे जिसको फायदा हुआ। मैं एक वीडियो उनके साथ लाजमी बनाऊ और आपके सामने लाऊं, लेकिन इसके बाद अगर कोई सेटिस्फाई नहीं होता तो उसको जहां से वीजा मिलता है भाई वो वीजा ले सकता है, वीजा फ्री मिलता है तो ले, पैसों का मिलता है तो ले, लेकिन मुझे आपके बैड कमेंट करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ इंशाल्लाह मैं करता रहूंगा। तो सलीम भाई आप मेरी वीडियो कब से देख रहे हैं, आपको कोई फायदा हुआ भी था उस टाइम पे या आपको फायदा हुआ हो ये बताया जाए मेरे देखने वालों। मैं माशाल्लाह भाई साहब तकरीबन 2 साल से आपकी वीडियो देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा रहनुमाई हुई है आपकी वीडियो से और आज अल्लाह का शुक्र है ये देखिए जहाँ तक पहुँच गया हूँ। अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर के लिए चुना है, इंशाल्लाह मैं दिल लगा के वहाँ पे मेहनत करूंगा, आपका शागिर्द बन के जा रहा हूँ जैसे आपने वहाँ पे मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैं भी मेहनत करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह कामयाब करे। और लास्ट टाइम मेरे पास सलीम भाई आए थे जब वीजे आए थे खादमी के लिए, बाद में कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए थे, तो भाई मेरे पास आए थे मिलने के लिए, मैं मिलने के लिए बैठा था हर टाइम मौजूद होता हूँ, तो मैं इनको मना कर दिया था लेकिन भाई उसमें डिसहार्ड हो गए थे, तो वो जो परेशान आप हो तो वो अपनी फीलिंग आप खुद बता दें। हाँ जी, मैं यही कि मैं उस वक्त आया था, उस वक्त वीजे मेरे ख्याल से कैंसिल हो गए थे, कुछ लोगों के लगे थे लेकिन वो लेबर में भेज रहे थे उनको, तो आपने मुझे मना किया था कि अभी रुक जाओ वेट करो इंशाल्लाह, अगर तुम्हारी जिंदगी में सफर हुआ ना वहाँ पे तुम जो जरूर जाओगे इंशाल्लाह। तो बस अल्लाह का शुक्र आज अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम पे पहुंच गया और अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जैसे मेरी वीडियो देखते रहते थे, मेरी वीडियो पोस्ट हुई कि वीजे आ गए हैं, हमसे उन्होंने फोन रहा कर रहे हैं, हमने सलीम भाई को सारा स्टेप बाई स्टेप सारा कुछ समझाया और वो वीडियो लाके मैं उनकी शो भी कराऊंगा जैसे जैसे उन्होंने अपना काम करवाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह टिकट पासपोर्ट अपना ले आए, कंपनी से एग्रीमेंट करके आ गए हैं, वो भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो बात इतनी सी है कि मैं बताने के लिए बैठा हूँ, मेरे पास कोई पूछने वाला हो ना, कि लोग हमें आके मजीद समझाते हैं कि आप लूट रहे हैं, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मेरी अगर इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो भाई मैं जबरदस्ती किसी को नहीं बुलाता कि मेरी वीडियो देखें, जिसको फायदा होता है वो हमसे मिलता है, हमारे पास आता है, हम उसको गाइड करते हैं और अपना काम करवाते हैं और अल्लाह के घर में चला जाता है। इससे पहले भी बेशुमार लोगों की मैंने मेरे इन्फॉर्मेशन से मेरी वीडियो से फायदा हुआ है और वो आज अल्लाह के घर के खादिम बने हुए हैं। तो जी आपने चांद भाई की बातें सुनी, इनका वीजा कैसे लगा और इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे ये सफर करेंगे पाकिस्तान से सऊदीया का, सऊदीया से भी जो खादिम में ड्यूटी मक्का या मदीना जहां पर भी लगेगी, जहां अल्लाह को मौका इंशाल्लाह वो वीडियो दी जाते हमें भेजेंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे और जो मेरे भाई मजीद जिनके भी वीजा लगने गए हैं हमारे रेफरेंस से हमारी कंपनी से बात हुई है, इंशाल्लाह जल्द ही वो वीजा लगकर भी आ जाएंगे, आप लोग परेशान ना होगा, जैसे ही लगेंगे कंपनी आपसे इंशाल्लाह खुद रब्ता करेगी और एक दिन आपकी वीडियो भी मेरे साथ ऐसे यहाँ पे बन रही होगी और मैं मेरे देखने वाले आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी भी अगर किसी भाई के जहन में कोई बात आती है तो डिस्क्रिप्शन में वाला नंबर मौजूद होता है, आप लोग वहाँ से नंबर लेके हमसे रब्ता कर सकते हैं और रब्ता करने का टाइम जो है सुबह 10 से रात 10 बजे तक होता है, अगर इस दौरान हम आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, कॉल पिक नहीं कर सकते तो काइंडली आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते करें, ना कि आप गुस्सा हो नाराज हो गए फोन नहीं करते, हम भी इंसान है, हमारा प्रॉपर कोई बिजनेस नहीं है, हम सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, तो इस वजह से आप लोग हमें थोड़ा सा परेशान कम किया करें और वेट किया करें, इंशाल्लाह रिप्लाई जरूर किया जाएगा, जैसे इन लोगों को किया और आज इनका काम हुआ इंशाल्लाह आपको भी रिप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा वेट एंड वॉच इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह का हुक्म है, हमारी कोशिश होती है, बाकी आपका नसीब है और आपकी माँ बाप की दुआएं होती हैं, जिसने जाना है उसने जाना है, जिसने नहीं जाना उसका सफर नहीं लिखा तो वो नहीं, हम जो मर्जी करते हैं वो नहीं जा सकते, तो उनके लिए मैं माजरत भी करता हूँ, बाकी हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो हमारे पास आया आपको अच्छी तरीके से गाइड किया जाए, फायदा नहीं होता तो ना हो लेकिन नुकसान भी ना हो, बाकी किसी के जरिए कोई बात आए वीडियो पे कमेंट कर दें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने भाई हाजी कमर खान को दें इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल हाजी कमर खान। वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल हाजी कामरान खान सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रहें।